नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, सीए अभिनव राठौड़ साहब। इन्होंने एनआईएसीएल एओ का जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसमें अकाउंट्स कैडर से इन्होंने क्लियर किया था, तो ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी जर्नी और वहां पे इनका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। काफी दिनों से हमारे पास बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा इंटरव्यू लेके आओ जो अकाउंट्स कैडर से जिन्होंने क्लियर किया हो। तो अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अभी कहाँ पे पदस्थ हैं, क्योंकि एनआईएसीएल अभी आपने लीव कर दिया है, तो वो भी आपसे जानेंगे। और आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस किए हैं, कौन कौन से एग्जाम्स किए हैं, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और सीए करने के बाद इस तरफ आना आपका कैसे हो। सबसे पहले तो मैं आप हमारे सारे दर्शकों का, मैं इस चैनल पे प्रदीप जी का और बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रदीप जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बच्चों से इंटरेक्ट करने का। और ये सबसे पहले तो आप, ये बहुत अच्छा आपने ये मौका लिया है कि एनआईसीएल का आपने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के दौरान ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम सीए अभिनव राठौर है और जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं बीकॉम हूँ, एमबीए फाइनेंस हूँ और सीए हूँ। साथ में यूजीसी नेट भी मैंने कॉमर्स से किया हुआ है। इसके साथ मैं 7 से 8 पीएससी में क्वालिफाइड हूँ, जिसमें ओएनजीसी, पावर ग्रिड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और एनआईसीएल, भील वगैरह है। और मैं इससे पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अकाउंट्स कैडर में कार्यरत था। 6 महीने मैंने कार्य किया और मेरी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस कानपुर में हुई थी। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डबल एओ के रूप में चयनित हो गया था। अब सबसे इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एनआईसीएल अकाउंट्स है, प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बिना किसी गाइडेंस और बिना किसी तैयारी से अगर आप किसी मैदान में कूदोगे तो ये आपको फॉल करने का रिस्क ज्यादा है। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत ही चीजें सीखेंगे, बहुत चीजें जानेंगे। और मैं आपके संग आप अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। प्रदीप जी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से हम आपसे जो है अलग अलग चीजों के एक्सपीरियंस, एग्जाम से रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, यहाँ तक कि बॉन्ड से रिलेटेड भी हम एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपके संग शेयर करेंगे, जो आपको एनआईसी के बारे में एग्जाम देने के दौरान और जो है सिलेक्शन के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी। तो प्रतीक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू अभिनव। अभिनव, अपन डायरेक्ट स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे पहले आते हैं, क्योंकि ऑडियंस की सबसे ज्यादा डिमांड यही थी कि जर्नलिस्ट का तो सिलेबस सबको पता पड़ जाता है, जो नॉर्मल बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करते हैं लगभग वैसा ही रहता है, लेकिन अकाउंट्स कैडर या जो भी स्पेशलिस्ट पोस्ट निकलती है उसके सिलेबस को लेके बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। और इस बार थोड़ी फॉर्म फिलिंग भी ज्यादा होगी अकाउंट्स कैडर से, क्योंकि क्वालिफिकेशन लास्ट टाइम इन्होंने सीए कंपलसरी किया था, इस बार इन्होंने हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन एम कॉम बेस पे भी ये लोग जो है फॉर्म फिलिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा एनआईएसीएल ने ये एक अच्छी चीज करी है कि जो नॉर्मल पीजी उनको भी एक मौका मिल रहा है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अकाउंट्स का सिलेबस आप थोड़ा डिटेल में बताइए, और आपने क्या सोर्सेज यूज करे थे, और किस तरीके से आपने जो बीकॉम करी और जो सीए करी वो पढ़ाई आपके किस तरीके से काम आई थी, अकाउंट्स कैडर का जो प्रोफेशनल नॉलेज का मेंस के अंदर जो पेपर होता है, एक सेक्शन होता है पूरा का पूरा, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। देखिए, जहां तक प्रोफेशनल करिकुलम से हमारी बात है तो वो मेंस में आपका अकाउंट सेक्शन आएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रतीक से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फाइल आपको अपलोड कर दी जाएगी, जिस फाइल में आपको सारे डिटेल्ड सिलेबस और उसके जितने भी अकाउंट, देखिए अकाउंट्स एक सब हम यहाँ पे अकाउंट्स एक सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं, अकाउंट्स एक ब्रॉड करिकुलम है जिसके अंतर्गत अराउंड 8 से 10 सब्जेक्ट आते हैं। और उससे 8-10 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को कवरेज करना है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल प्रतीक जी से हम शेयर करवा देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, उसमें डिटेल स्ट्रेटेजी है, डिटेल चीजें हैं। जहां तक अकाउंट्स की हम बात करें तो हमारे 8 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास अकाउंट्स, उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर है हमारे पास कॉस्टिंग, फिर है हमारे पास कॉस्टिंग, बाद है हमारे पास जो है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑडिट, कंपनीज एक्ट और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट देखिए, हर सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है उसको पढ़ना है। जहां तक अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार करना है। और दोनों चैप्टर में कुछ, दोनों ही सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लाइक कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कंट्रोल और उसके कुछ थ्योरी के पास, जैसे कि हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, हमारे पास जो सिक्स सिग्मा क्या है, केजन कॉस्टिंग क्या है, फाइव एस क्या है, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाए ताकि आप उसको देख सकें। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक कैपिटल बजटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया, और जो है आपका जो है डिविडेंड डिसीजन हो गया। देखिए कॉस्टिंग और एफएम की अगर बात करें उसको आप एक ब्लॉक मान के चलिए, इन एक ब्लॉक का आपको सबसे पहले A4 नोटबुक में या कॉपी में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने हैं, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएगा। और ट्राई करो कि वन वर्ड जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको लर्न करने की कोशिश करो, उस खासकर डेफिनेशन के। कॉस्टिंग और एफएम में कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक कि फॉर एग्जाम्पल सिक्स सिग्मा क्या है और फाइव एस में कौन कौन से एस इंक्लूडेड हैं, और जो है आपके कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स क्या क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा एनआईसीएल का इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पूछे और बहुत ज्यादा आपका टेक्निकल पूछे। इसका एकमात्र कारण ये है कि इस बार जो हमारी क्वालिफिकेशन सीए नहीं है, सीए के साथ हमारे पास एमकॉम भी है, हमारे पास एमबीए भी है, साथ में और भी लोग हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन इस तरह से ड्राफ्ट किए जाएंगे कि वो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे सबको पैरिटी में रखा जाए, क्योंकि कुछ एडवांस से टॉपिक हो जाते हैं जो केवल सीए ही जान पाते हैं, एमकॉम या एमबीए उसको नहीं जान पाते हैं, तो इस तरीके से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उन लोगों के एक डिस्पैरिटीज क्रिएट की जाए। उसके अलावा आपको अगर हम अकाउंट्स की बात करें, जो हमारे अकाउंटिंग की बात करें, उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं आएगा, पर आपको एएस और इंड एएस इसका लिस्ट तैयार करना है कि फॉर एग्जाम्पल इंड एएस 7 का नाम क्या है, या ये अर्निंग पर शेयर है, ये कौन सा इंड एएस है, तो आपको क्या करना है, A4 साइज में A4 पेज में सारे एएस के नाम उसके नंबर याद करने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स में बहुत ज्यादा आप डिटेल में क्या पढ़ोगे, आप होल्डिंग कंसोलिडेशन नहीं पकड़ पाओगे, आप इतने बहुत ज्यादा डिटेल है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना जो अपना एनर्जी और रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में वेस्ट करें जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नेगेटिव है। ये हो गया अकाउंट्स की बात, हो गई कॉस्ट एफएम की बात कर ली। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स जो है ना, आप इकोनॉमिक्स की मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ अपलोड कर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आप जनरल अंडरस्टैंडिंग याद कर लो, बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, लाइक लॉ ऑफ डिमांड हो गया, मार्जिन यूटिलिटी हो गया, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जो है टिफिन गुड्स क्या होते हैं, या जो है आपका जो है और बाकी चीजें क्या होती हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट आप लोग ने पढ़ा ही होगा, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, और जो है मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, ट्रेड थ्योरी क्या है, ये सबके मोटिवेशन का आपको कंपाइलेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका अपलोड कर दीजिए, और मैनेजमेंट आप इससे पढ़ लो। इसके अलावा हमारे पास और कौन से, हमारे पास टैक्सेशन सब्जेक्ट बचा, टैक्सेशन में दो चीजें हैं, इनकम टैक्स हो गया और जीएसटी हो गया। कस्टम की बात करें, कस्टम अभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जब तक कि सिलेबस में स्पेसिफाइड ना हो। जीएसटी की हम बात करें तो बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हम जीएसटी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, खासकर एग्जाम्स में। इनकम टैक्स की बात करें तो आपको इनकम टैक्स में क्या करना है, टीडीएस के जो जितने सेक्शंस हैं 192 से लेके बाकी 195 तक, उन सबके सेक्शन डिटेल में आपको याद करने हैं, उनकी लिमिट्स याद करनी है, डिडक्टर याद करना है, डिडक्टर याद करनी है, और किस रेट पे टैक्स काटा जाता है। एग्जाम में कोशिश करो फैक्चुअल चीजें याद करो और फैक्चुअल क्वेश्चंस याद करो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बनना है तो एक क्वेश्चन में जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, उसके फॉर्मुलेस भी रख लेना कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स जो है उसके बाद पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने मैटर्स हैं, और खासकर अगर हम डी की बात करें तो वोल्टर्स फॉर्मूला क्या है, गॉर्डन फॉर्मूला क्या है, ये चीज आपको याद करना है। ये हमारे पास होगी डिटेल्स की स्टडी हो गई, बाकी आप हमसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रतीक जी। अभिनव जी एक चीज बताइए, जैसे आपने बताया कि अकाउंट्स के अलावा जैसे जो अकाउंट्स के जो दूसरे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्टिंग बताया आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे आपके टाइम में जब आपने पेपर दिया था तो लगभग क्या रेशियो रहा था इन सब के क्वेश्चंस का, कुछ अगर आप मेमोराइज कर सकें कि इतने क्वेश्चंस लगभग इन्होंने कॉस्टिंग एफएम से पूछे थे, 5 क्वेश्चन ऑडिट से हमारे पूछे थे, ऐसा? पर अगर मार्गदर्शन सबसे बड़े सिलेबस रहता है,
सिलेबस को हम एनालाइज करके बता सकते हैं ये सब्जेक्ट ज्यादा आने वाला है, ये सब्जेक्ट कम आने वाला है। अब सिलेबस तो है नहीं हमारे हिसाब से, और जहां तक मैंने जितने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं कॉमर्स रिलेटेड, बहुत सारे मैं 20 से 25 एग्जाम दे चुका कॉमर्स रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो मेरा मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको कॉस्टिंग और FM, जहां पे बेसिक चैप्टर कैलकुलेशन वो आने आने हैं, और आपका ऑडिट हो गया, ऑडिट और अकाउंट में से बहुत डिटेल में नहीं आता है, कुछ इंपोर्टेंट चीजें आती है ऑडिट में। अकाउंट्स में आपको AS के नाम, उसके नंबर, इंड AS के नाम, उसके नंबर, एक लिस्ट है, एक पेज पे आ जाएंगे, अराउंड 15 20 से 25 इंड AS है और 10 से 15 मतलब 20 से 25 AS है और इंड AS भी इतने ही है, तो आपको बस नंबर याद करने सिलेक्टेड। उसके अलावा आपको जो ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऑडिटिंग में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, बेसिक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग कर लोगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और हाँ, इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, अब कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम है कंपनीज एक्ट में से एक दो ही चैप्टर आते हैं, वो है डिविडेंड। डिविडेंड कितने दिन में पे किया जाता है, कितना दिन में जो है शेयर होल्डर को पे किया जाता है, कितने दिन में उसको अकाउंट में डिपोजिट किया जाता है, क्या लिमिट है, अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो कितने परसेंट उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है, डिविडेंड नहीं पे किया तो उस पे कितना पीनल जो क्या पेनल कंट्रावेंशंस है। उसके अलावा आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर कर सकते हो, चैप्टर 10 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी का कितने दिन में कौन अपॉइंट करेगा। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करने, कितने दिन में क्या कौन कैसे करेगा, ठीक है, अब क्यों करेगा, क्यों का हमारे पास, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्यों का आंसर नहीं जाने, क्यों करे, कैसे करना है, क्या करना है, तो फैक्चुअल में आपको रटना है, आपको चीजें रटनी भी है, समझनी भी है, कोशिश करो समझ लो, समझ नहीं आ रहे तो रट लो, क्योंकि कभी कभी रटने से आपको रेप्लीकेट कर दोगे एग्जाम में, तो वो चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से मैंने कुछ सब्जेक्ट से बताए, तो आपको ये सब्जेक्ट करने हैं, और मैंने आपको प्रायोरिटी बेस भी बता दिया, सबसे पहले कॉस्टिंग और FM आएगा, उसके बाद आप कंपनी से याद कर लो, फिर आप याद कर लो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जिसमें मैंने सिलेक्टेड बताया लिस्ट, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेफ साइड खेलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप कर दो, क्योंकि कभी ना कभी ना मैनेजमेंट भी हम लोग अकाउंट्स या कॉमर्स रिलेटेड लेट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में आपके हो गए मोटिवेशन की थ्योरीज, लीडरशिप की थ्योरी, यदि किसी भी हमारे, देखो किसी भी हमारे बच्चों ने अगर हमारे पास SEBI या PFRDA की तैयारी की है तो उनको ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो वो चीज अपने आप से नहीं रिलेट कर पाएंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैनेजमेंट के एक दो PDF अपलोड करवा देंगे, जो आप PDF खोल के उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ाई में कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि आप इस चैनल के लिए, इस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और हम आपसे पूरी आशा करते हैं कि आप एग्जाम में पूरी रूप से सब लोग सफल हो। अभिनव जी, एक चीज बताइए कि इसके अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर ये इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी कुछ पूछते हैं वहां एग्जाम में? इंश्योरेंस क्वेश्चन पूछेंगे आपको जनरल नॉलेज के अंदर, जो GK है, जनरल अवेयरनेस। हाँ, और देखो आप इंश्योरेंस का पेपर फॉर्म भर रहे हो तो आपको जाहिर है कि इंश्योरेंस का तैयार करके जाओ, तीन चार चीजें इंश्योरेंस में मैं बोलूंगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस वर्ल्ड में और इंडिया में, वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस में रिफॉर्म्स कौन से आए। अब इंश्योरेंस आप पढ़ रहे हो और आपको मल्होत्रा कमेटी नहीं बता कि कब बनी है, क्यों बनी, कैसे बनी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि हमारे पास कितने इंश्योरेंस का क्या, कौन सा रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसका जो हेड है वो कौन है, क्यों है, कैसे है, जितने भी हमारे पास पब्लिक इंश्योरेंस है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो या LIC हो, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उनकी जो है चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इंटरव्यू के लिए भी, आपके लिए आ सकता है, आपको प्री में भी आ सकता है जनरल अवेयरनेस के रूप में, और आपका जो है उसमें भी आ सकता है, आपके मेंस में भी आ सकता है जनरल अवेयरनेस में। इसके साथ मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा जो आपको करके जाना है, देखो सेफ साइड के लिए आपका इंश्योरेंस अकाउंटिंग होती है, जो आपको प्रीमियम की अकाउंटिंग, नेट प्रीमियम अर्न्ड की अकाउंटिंग, और आपको जो है क्लेम्स की अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा, ये जनरली आपको CA इंस्टीट्यूट के IPCC मॉड्यूल के अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है इंश्योरेंस अकाउंटिंग, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके उसके थोड़ा न्यूमेरिकल्स करके जाना सेफ साइड के लिए, कहने का ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमने जो है इतना हमने इंश्योरेंस लिया, इतना हमने प्रीमियम अर्न किया, ये डायरेक्ट प्रीमियम है, इतना हमने री इंश्योरेंस से प्रीमियम हमने सीड किया, इतना हमने री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया, अब बताइए नेट प्रीमियम अर्न हमारा कितना है,
तो ये जब तक आप कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं, आपको नहीं पता रीइंश्योरेंस क्या है, आपको नहीं पता को इंश्योरेंस क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं आप एक कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हो। तो आपको पूरा कॉम्पिटिशन के अंदर रहना है, फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, और बेसिक चीजें आपको सब सीख के जानी है, समझ के जाना है, अपना होमवर्क पूरा करके जाना है आपको। तो इसके अंदर मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कुछ आए थे एग्जाम में कि केवल थ्योरिटिकल पूछे थे? प्रोफेशनल नॉलेज की अगर पहले मैं उसकी बात करूं, फिर मैं इंश्योरेंस वाले की बात करूंगा। अकाउंट की बात रही, हम ये नहीं कह सकते कि न्यूमेरिकल आएंगे सिर्फ या प्रैक्टिकल या थ्योरी आएंगे, दोनों आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि कॉस्टिंग भी है ना, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी किस चैप्टर से आएगी, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। और किस चैप्टर से थ्योरी पूरी आएगी, जैसे ऑडिट के हो गया थ्योरी पूरी आएगी, अकाउंट्स में हम न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी ए एस से रिलेटेड। जैसे कि कुछ आपको चार पांच चीजें दे दी, जो चार पांच चीजें थी और आपको बोला गया इसमें से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताइए। अब आपको ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो क्या होता है, तो आप जो है उसको एड ऑन नहीं कर पाओगे। आप चार चीजों में से सिर्फ दो चीजें को एड ऑन करना है। अब वो दो चीजें कौन सी है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं उसको तो आप कैसे समझोगे। तो न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं या बहुत डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस अकाउंटिंग की नेट प्रीमियम अर्न बताओ, तो ये बहुत बेसिक चीज है, बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत एडवांस लेवल के नहीं आते हैं, और ये आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको आना चाहिए। आप अकाउंट्स कैटर से फॉर्म भर रहे हो और इंश्योरेंस अकाउंटिंग जो है बेसिक नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजों में जाएगा आपका। इट इज अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ बोथ। तो लगभग कितना अगर हम परसेंटेज देखें, शायद 40 क्वेश्चंस प्रोफेशनल नॉलेज में आपके आते हैं, तो अगर अपन देखें तो लगभग कितना, 10-15 क्वेश्चन लगभग आपके टाइम में कितने न्यूमेरिकल में से इन्होंने पूछे थे? क्योंकि न्यूमेरिकल से काफी सारे बच्चे घबरा जाते हैं कई बार। नहीं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, हम ये दावे के साथ अनुमान नहीं लगा सकते कितने न्यूमेरिकल आएंगे, कितने वो आएंगे, बट अगर हम 10 सब्जेक्ट की बात करें तो तीन आधे आधे आप मान के चलो कि आधे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आधे एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी के आ सकते हैं, तो हाफ आपका आप मान के चलो रेशियो के हिसाब से। बट वैरायटीज बेस्ड सब्जेक्ट तैयार करो, आपको जो है ना सब्जेक्ट के मुताबिक जाना, अपनी स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट के मुताबिक जाइए। जैसे कि कॉस्टिंग FM पूर्ण रूप से तैयार कीजिए आप लोग, उसके लिए अकाउंट्स और ऑडिट एक ब्लॉक हो गया, जिसमें आपको सिलेक्टेड तैयार करना है AS Ind AS के नाम, और जो है ऑडिट में आपको ऐसे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के नाम, कि ऐसे 250 क्या है, ऐसे जो है 300 क्या है, ऐसे 500 क्या है, या क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, या मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, या ऑडिटर जो है मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, या ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो कैसा ओपिनियन है, फाइनल ओपिनियन है कि वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा आप जो है टैक्सेशन कर सकते हो, जिसमें आपके इनकम टैक्स हो गया, जिसमें TDS के इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए, और आपका हो गया मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स हो गया। तो आपको ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना है आपको। अब तो बैंक से न्यूमेरिकल नहीं बन सकते, न्यूमेरिकल बन सकते हैं अकाउंट से, बन सकते हैं कॉस्टिंग से, बन सकते हैं FM से, बन सकते हैं मैक्सिमम, बन सकते हैं आपका टैक्स से, बन सकते हैं, वो भी बहुत बेसिक होगा, क्योंकि आपने MCOM किया हुआ है, आपने जो है CA किया हुआ है, आपने जो है MBA भी किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट में से आपने सारे सब्जेक्ट से आप डील कर चुके हो। आप 10 12 भी जो है कॉमर्स से हो तो हर सब्जेक्ट आप लोग डील कर चुके हो, ऐसा कोई नहीं कोई सब्जेक्ट नहीं। आपको जरूरत है सिर्फ प्रॉपर अलाइनमेंट की, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, और प्रॉपर कंपाइलेशन ऑफ नोट्स की। इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन रहता है, तो उसमें अगर अपन करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग, क्योंकि जैसे आप CA थे खुद, तो कई बार होता क्या है कि CA की पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई दोनों अलग तरीके से रहती है, तो कई बार हाँ बच्चे कंफ्यूजन में तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि जो CA की तैयारी करता है वो करंट अफेयर और FT रीजनिंग इनसे थोड़ा सा दूर हट जाता है, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी थोड़ी अलग तरीके से होती है, वो अलग कॉम्पिटिशन होता है, और CA की पढ़ाई अलग तरीके से होती है। तो जो पहले जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग FT की बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस की आपने तैयारी कैसे करी थी, और लगभग कितने महीने के करंट अफेयर सफिशियंट रहते हैं पढ़ने के लिए? हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम जो है 15 अक्टूबर को है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट डे नहीं, फॉर एग्जाम्पल 15 अक्टूबर को है, तो आपको सबसे प्रायोरिटी बेस्ड होती है, प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले सितंबर के करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप 1 से लेके 10 तारीख तक अक्टूबर की कर लो, लास्ट ईयर की, और अगर आपको सेफ साइड और सेफर में जाना है तो आप जो अगस्त की कर लो, मतलब एटलीस्ट 1+ आपको सितंबर के जरूर करनी है, उसके अलावा अक्टूबर की करनी है और अगस्त की करनी है सेफर साइड के लिए, सितंबर को तो कंपलसरी करनी है।
अगस्त की सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ, और जो है सेप्टेम्बर और जो अक्टूबर की सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ। ये 3 महीने की, ये ढाई दो से ढाई महीने के करंट अफेयर जो आपके जनरल अवेयर है, जैसे कि आपके उस आपको किस करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी बुक इन 3 महीने में निकली है, उन बुक के ऑथर्स क्या है, अवार्ड्स किसको मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न अगर इस जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो किसको भारत रत्न मिला है, स्पोर्ट्स में किसको अवार्ड मिला है, या मेजर अपॉइंटमेंट्स क्या हुए हैं, ये आपको अपॉइंटमेंट्स पर्सन इन न्यूज देखना है, पर्सनैलिटीज इन न्यूज देखनी है, प्लेसेस इन न्यूज देखनी है, अवार्ड्स इन न्यूज देखने हैं, आपको बुक्स इन न्यूज देखनी है, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाती है, ये बुक आप फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर ने ये बुक लिखी, इस बुक का नाम क्या है, या ये बुक किसने लिखी है, या जो है अभी जो है ये अवार्ड मिला है मोदी जी को, ये अवार्ड किस कंट्री के द्वारा मिला है, ये आपको वर्ल्ड अफेयर्स देखने और इंडियन अफेयर्स देखने हैं, ये हो गए आपके जनरल अफेयर। उसके अलावा आपको सेफर साइड खेलना है बैंकिंग है इंश्योरेंस रिलेटेड अफेयर्स, आपको किसी भी रैंडम गूगल पे, किसी भी रैंडम गूगल कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूट कर लो, कुछ भी कर लो, बैंकिंग है इंश्योरेंस रिलेटेड अफेयर्स आपको गूगल करना है और आप कोई भी खुल जाएगा, उसमें आपको 1 से 1.5 महीने के बैंकिंग अपॉइंटमेंट देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने ये स्टेटमेंट निकाला, ये स्टेटमेंट का नाम क्या है, ये स्टेटमेंट किसने निकाला, या सेबी ने ये जो है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला है, ये सेबी ने निकाला है, आपका सेबी में ये मेजर अपॉइंटमेंट किया हुआ है, आरबीआई ने इस बैंक को मर्जर किया हुआ है, इस बैंक का टेक ओवर किया हुआ है, फाइनेंशियल लेटेस्ट न्यूज देखनी है आपको जो है, तो इस आपको दो अफेयर्स करने, एक नेशनल अफेयर्स देखने, ग्लोबल अफेयर्स देखने हैं, और आसान ना तो बैंकिंग अफेयर्स, ये दोनों ऑप्शन आपके सेफर साइड के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप जनरल अफेयर्स देख रहे हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स को मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक लैकिंग पॉइंट है। अकाउंट्स कैडर और जनरल अवेयरनेस की हमने बात करी, तो आप अपने सोर्सेस बता सकते हैं, मतलब आपने प्रिपरेशन कोई कोर्स लिया था या मतलब किस तरीके से तैयारी करी थी? मैं अपने पर्सनल बात करूं, मैंने कभी भी लाइफ में कोई कोर्सेज नहीं लिया, जो भी लिया सेल्फ लिया है, इतने एग्जाम दे चुका था कि मेरे को पता था कि इसमें से ये आना है, मेरा सबसे पहले जो मार्गदर्शन रहता था सबसे प्रथम आपका सिलेबस, सिलेबस हो गया, सिलेबस आपका भगवद गीता है, उसको आप पूर्ण रूप से वर्ड टू वर्ड रट लो कि ये आना है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आना, यदि और उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस, यस एक आपका 3 स्टेप में आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, पहला स्टेप ये है सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, उस सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है। दूसरा स्टेप ये है पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आप न्यू इंडिया एश्योरेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, लास्ट 2-3 साल के पीवाईक्यू से आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट में कितने डेप्थ से पूछा जाता है, और यदि आपके पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं है, उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को आप अपने नोट्स जो आपने बनाए उसको रेड पेन से हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो और उस पर पीवाईक्यू मार्क कर लो, कहीं ना कहीं पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। यदि आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस के एनआईसीएल के पीवाईक्यू सॉल्व हो चुके हैं तो आप अदर बेटर इंस्टीट्यूट के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, लाइक सेबी के कर सकते हो, पीएफआरडी के कर सकते हो, इसको आपको और अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व हो गए आपने जो है नोट्स बना लिए, तीसरा स्टेप ये है कि मॉक्स दीजिए, जितने हो मैक्सिमम मॉक्स दीजिए, और मॉक्स में जो है ना एटलीस्ट 70 से 80% ट्राई करो, स्कोर करो टारगेट का, जो मॉक के क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपने नए हैं न्यू टाइप के हैं और वो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, और नोट्स को एग्जाम के 2-4 दिन पर रिवाइज करो, एग्जाम के 3-4 दिन पहले कोई मॉक्स नहीं लगाना है, आपको जो नोट्स बनाए और खासकर जो रेड पेन से आपने पीवाईक्यू लिखे या मॉक के क्वेश्चन लिखे हैं उसको पढ़ के जाओ। जी आपने जैसे मॉक के बारे में बताया, तो मॉक के सोर्सेज आपने क्या यूज किए थे? देखिए, आप मॉक मॉक बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल होते हैं गूगल पे, आप किसी भी गूगल पे डालोगे NIACL फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप फ्री मॉक टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के दे सकते हो, हर इंस्टीट्यूट में है मॉक मॉक, यदि आप नहीं देना चाहते हो आप जो है ना बड़े बड़े एग्जाम के सेबी के, मैंने जैसा बोला सेबी के हो गए, पीएफआरडी के, नबार्ड के हो गए, फाइनेंस रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इनके जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं ना बहुत ही वेल डिफाइंड रहते हैं और ये सारे 10 सब्जेक्ट को कवर करते हैं, तो आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो, मॉक किसी भी इंस्टीट्यूट का दे दो, सारे इंस्टीट्यूट ओवरऑल सेम स्टेज पे हैं। और इसके अलावा अगर हम रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट की भी बात करें, तो इनकी क्या स्ट्रेटजी थी और एग्जाम लेवल इनका लगभग क्या रहता है? देखिए एग्जाम और स्ट्रेटजी और एग्जाम लेवल जो है ना, यदि आप सेबी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सेबी आरबीआई की, या आरबीआई थोड़ा सा हम साइडलाइन करेंगे, आरबीआई की तो नहीं, मैथ्स थोड़ा सा एक अलग लेवल पे होती है, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, जितने रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हो गए ना, पहले
न्यू इंडिया उसी के पैरिटी पे रहता है, लगभग थोड़ा सा उसे नीचे स्तर का रहता है। तो अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग सिलेक्टेड चैप्टर्स तैयार किए, मैथ्स में अगर आपने जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन तैयार किया, टाइम डिस्टेंस तैयार किया, टाइम वर्क तैयार किया आपने, क्लॉक्स एंड कैलेंडर तैयार किया आपने जो है, और आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार किया हुआ है, आपने जो है मिक्स एंड एलिगेशन तैयार किया हुआ है, और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज ये सब आपने तैयार किया हुआ है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, तो आपको कहना कि एक एज मिल जाएगा मैथ्स में सॉल्व करने का। अलजेब्रा को थोड़ा सा हम कम लेवल पे लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो वही रीजनिंग वही सेम चैप्टर्स हमारे पास है, डायरेक्शंस हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास जो है एल्गोरिथम, हो गया हमारे पास जो है सिटिंग अरेंजमेंट, हो गया ये सब के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और अलग अदर अलग अदर रेगुलेटरी बॉडीज के जो है पीवीएस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो इस साल हुए हैं कितने सारे एग्जाम हुए उनका कंपाइलेशन सॉल्व कीजिए। तो बस यही है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन हो वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां आपको कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही है आप यूट्यूब पे वो उसके 1-2 घंटे के लेक्चर देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, हर चैप्टर के हर टॉप हर फॉर्मूले आपके पास हैंड रिटन होने चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की लिखी हुई राइटिंग आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव भी इसमें होता है शायद, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव का मुझे जहां तक मैंने इस बार का देखा था, डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी तैयारी आपने कैसे करी थी? डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आपको 3-4 डिस्क्रिप्टिव के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला एसे हो गया, दूसरा लेटर हो गया, तीसरा प्रेसी हो गया, चौथा कॉम्प्रेशन हो गया। तो हर एग्जाम अपने अलग तरीके से, कोई इन चारों में से कोई भी 3 सिलेक्टेड होते हैं। आपका यदि प्रीलिम निकल जाता है, हम भी आशा करते हैं आपका प्रीलिम निकल जाए, सभी लोग का प्रीलिम निकले, तो प्रीलिम निकल जाता है डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा आपका टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम निकाल चुके हो, आप एक स्टेप आगे हो सकते हैं। और आपको जो मेन फोकस करना है अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और मैथ और रीजनिंग आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं क्योंकि आप प्री निकाल चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपको करना क्या है, आपको जैसे ही आपका प्री निकला आपको डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर तैयार रखना है, जिससे आपको थोड़ा अगर आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे आता है, ऐसे के लिए आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर तैयार करना है जो आपकी इंग्लिश की रीडिंग कैपेबिलिटी, आपके कुछ पॉइंट्स, कुछ डेटाबेस और कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करेगा। और आपको कॉम्प्रेहेंड उसको उस इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपको 3 चीज महत्व मिलेगा, आपको एसे के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कॉम्प्रेहेंशन पढ़ने में आपको हेल्प आउट करेगा, आपको जो है इंग्लिश रीडिंग कैपेबिलिटी जनरेट करेगा, साथ में पैसे के लिए भी आपको हेल्प आउट करेगा। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। और के साथ आप जो है ना एक आपको ऐसे या ऐसे के लिए आप जो कोई भी इकोनॉमिक या सोशल का कंपाइलेशन, सोशल इश्यूज का कंपाइलेशन ले सकते हैं, और कोई भी लास्ट मंथ की मैगजीन पढ़ सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो, ताकि आप पॉइंट्स कुछ राइट के लिए लिखने के लिए मिल जाए। और यहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन की बात करी तो जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ो, उससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी जनरेट होगी। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपको जो है ना इंग्लिश के क्वेश्चंस आप कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आप आंसर आपको लिखना होगा। और पैसे आपका एज इट इज 1/3 को उसको आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उसको 1/3 लेंथ में आपको कन्वर्ट करना होता है। मेरा ये अनुमान था और मेरा ये मानना है, और आप भी ये वर्कआउट करिए, 3 लाइन पढ़ो, उस 3 लाइन को 1 लाइन में कन्वर्ट करो, सीधी सी बात। इस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ पूरा आपको 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्राई करो अगर डायरेक्ट स्पीच में पैसे कोई लाइन लिखी है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ताकि वो सेम वर्ड्स में रेप्लिकेट ना हो और उसका मतलब सेम हो, इस तरीके से। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो टॉपिक रहते हैं वो मतलब लिटरेचर बेस्ड रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं या फाइनेंशियल और इंश्योरेंस वाले ज्यादा टॉपिक पूछते हैं? मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फाइनेंशियल रहेंगे, कुछ भी रैंडम हो सकता है, यहाँ तक कि किसी की नोवेल की स्टोरी हो सकती है कॉम्प्रिहेंशन में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी जो है किसी कोई एक एक ऑथर का एक व्यू पॉइंट हो सकता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से कैपेबिलिटी तैयार करना है। आपको लिए मैं ऐसे के लिए तैयार करवा सकता हूँ, ऐसे में है ना 3-4 टॉपिक्स आएंगे, उसमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा ऐसे में, और 3-4 टॉपिक है ना वो एक टॉपिक कोई ना कोई सोशल इशू से हो सकता है, एक टॉपिक इकोनॉमिक के हो सकता है, एक टॉपिक आपका जो इन्वायरमेंट हो सकता है। तो ये इकोनॉमिक हो गया, सोशल इशूज हो गया, और जो आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो मैं आपको चाहता हूँ आप इकोनॉमिक का न्यूज़पेपर पढ़ लो भाई, तो इकोनॉमिक के रिलेटेड न्यूज पढ़ लो, ताकि आपको इकोनॉमिक के ऐसे में हेल्प हो जाए, या आप इन्वायरमेंट पढ़ लो, एक सब एक डोमेन पकड़ लो आप ऐसे के लिए, या इकोनॉमिक्स पकड़ लो या इन्वायरमेंट को जो आपको अच्छा लगता हो। मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स पकड़ना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में है ना आपको फाइनेंस आपने पढ़ा हुआ ने जो है कहना कि जो है इकोनॉमिक्स आप फ्री के लिए भी पढ़ रहे हो और इंग्लिश न्यूज पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक की न्यूज के लिए आपको हेल्प आउट कर देगा।
और एक ऐसे भी ऐसे का लिखने का तरीका होता है आईबीसी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। आपको इंट्रो इतना अपीलिंग होना चाहिए कि वो पूरा पूरा ऐसे अपने आप में उसमें समा जाए, और बॉडी में भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स का आप यूज करो, आप इंपॉर्टेंट एनालिसिस का यूज करो, डेफिनेशन का यूज करो, और कंक्लूजन भी ऐसा होना चाहिए कि एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए और एक पॉजिटिव नोट के साथ एंडिंग होनी चाहिए। और खासकर आपको याद क्या रखना है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, प्रॉपर इंग्लिश का यूज कीजिए। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन का यूज ना करें, क्योंकि वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का उसका सोर्स बन सकता है और उसमें जो है ना आपके मार्क्स कटने के ज्यादा है। बेसिक इंग्लिश का ध्यान रखें, कहाँ कॉमा आना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप के बाद जो है वर्ड को कैपिटल लिखना चाहिए, इन वर्ड का याद रखें, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन होता है वो सॉफ्टवेयर चेक करता है, और वो बेसिकली इंग्लिश बेसिक कॉमा का, बेसिक लाइन का वो चेक होता है। यदि वो गलत हो जाएगा तो आपने कितने भी टेक्निकल जार्गन यूज किया उसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। अभिनव एक चीज और बताइए कि इसके अंदर कंप्यूटर पे होता है आपका पेपर, पेन पेपर मोड पे होता नहीं है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम, तो उसके अंदर स्पीड कितनी मायने रखती है और साथ साथ इसके अंदर बैक स्पेस अलाउड होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूजन में, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव दिया नहीं है, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बैक स्पेस अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। पेपर स्टार्ट होगा आपका, स्टार्ट होगा पेपर 9 बजे, 9:01 बाद आपको आवाजें आने लगेंगी टाइपिंग की। उस आवाज की जो खौफ है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोला कि इस आवाज से बिल्कुल ना डरो, अपने आप को स्टार्टिंग के 2 मिनट अपने को बहुत काम रखो, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो। अच्छा ऐसे कि ये टॉपिक्स आए हैं, इकोनॉमिक का ये टॉपिक आया है, मुझे ये ऐसे अटेम्प्ट करना है, पैसिक, अच्छा ये पैसी आया है, ये लास्ट के स्टार्ट, मैं भी ऐसे करता था, लास्ट के पांच स्टार्टिंग के 5 मिनट सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ता था। एक अपने आप को काम करो, लेट जिसको जो करना है करने दो, लोग टाइप कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि वो सिलेक्टेड है, वो टाइप कर रहे हैं वो जल्दबाजी में कर रहे हैं, हमें पूरा पेशेंसली करना है। तो सबसे पहले को आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और समझो आपको कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करना है। पहले पैसी करना है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन करना है, वो आप अपने जब मॉक दोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाएगी। हाँ आपको जिन्होंने बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं किया है कीबोर्ड पे, तो वो अपना टाइपिंग के थोड़ा हैबिट बना ले। बेसिकली गूगल पे भी सॉफ्टवेयर आता है चेक टाइपिंग स्पीड, तो आप अपना टाइपिंग स्पीड चेक कर लो, देखो कि आप इतने घंटे में जो है कहीं टाइपिंग करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं डेवलप कर रहे हो। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में ही आपके रूल्स आ जाएंगे। कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसमें आपको ये चीज होती है कि अगर आप कोई भी कीबोर्ड का कोई भी बटन 3-4 बार लगातार दबाते रहोगे वो स्क्रीन सीज हो जाएगी, तो उसको रीऑपरेट कराने के लिए आपका आपका इन्विजिलेटर आएगा उसको रीऑपरेट कराने के लिए। तो कोई भी कीबोर्ड के बटन को बार बार ना दबाएं, और उसके अलावा फुल स्टॉप के बाद भी, फुल स्टॉप के बाद जो है स्पेस बार जनरेट नहीं होता है, एंटर दबाया जाता है। तो वो आपको रूल्स स्टार्टिंग बता दीजिए, उन रूल्स को पूर्ण रूप से पढ़ें, क्योंकि वो रूल्स का जो 5 मिनट के लिए आपको रूल्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको रूल्स बताने के लिए कोई नहीं है, कोई भी आपको नहीं बताएगा वो रूल। तो अभिनव अपन अगले सवाल पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव तब का आपने बता दिया, अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू में काफी सारे बच्चों को घबराहट रहती है, क्योंकि इंटरव्यू सबका अलग तरीके से रहता है। आपने काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो आप NIACL का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा था, और किस तरीके से खास करके अकाउंट्स कैडर के बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए? जहां तक इंटरव्यू का सवाल है, तो इंटरव्यू में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको तीनों सवाल की तैयारी अपने हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पहले सवाल होता है कि आपसे पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या, आपके नाम का मतलब क्या है, आपने क्या क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, और आपने साल से इनएक्टिव थे पढ़ाई में, क्यों इनएक्टिव थे। उन पर्सनल सवालों का जवाब सबके लिए डिफर करेगा, और उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं और किस तरीके से जो है एग्जामिनर को जो है जो जो हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको किस तरह से खुश कर रहे हैं। ये हो गया पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं करिकुलम बेस्ड क्वेश्चन। आप MBA किए हो या आप CA किए हो, आप फाइनेंस से हो या ऑटोमोबाइल से हो या हेल्थ से हो, वो करिकुलम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यदि आपको उन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या आप उन क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, तो आप सिंपली बोल दीजिए कि आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट दिस।
इसमें बहुत ज्यादा वरी की बात नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते आप सिंपली मना कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं आता तो इसमें कोई भी जो है बोर्ड मेंबर्स आपको कोई नेगेटिव परसेप्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जो है आपको एमबीए की हो, आपको नहीं पढ़ा होगा आपने, तो कोई इशू नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपसे जॉब रिलेटेड, ये इंडस्ट्री रिलेटेड होता है कि मान लीजिए आप एनआई सील के इंटरव्यू देने गए, तो एनआई सील के बारे में आप क्या जानते हैं, एनआई सील का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको नहीं पता कि कहाँ हेडक्वार्टर है, तो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर दिया। उनका चेयरपर्सन कौन है, फीमेल है मेल है, नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर दिया। आपको नहीं पता आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का नाम क्या है, आप नहीं बता पा रहे हो उसकी हायरार्की क्या है, आपको काम क्या करना है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे। और इंटरव्यू ऐसा कहीं नहीं है कि बिना तैयारी के लिए इंटरव्यू, जो इंटरव्यू भी एक तरह का एग्जाम भी है, हालांकि ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जाम है, ये टू वे कम्युनिकेशन है जहां पे आप उनसे वार्तालाप करेंगे। और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है नर्वस हो या आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, आप ये उनको बोल भी सकते हो बातों बातों में कि दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, सो दैट बोर्ड मेंबर्स विल ट्राई टू क्रिएट अ वेरी फैमिली फैमिली टाइप एटमोसफेयर, और वो आपको काम कराने की कोशिश करेंगे कि कोई उनका उद्देश्य आपको एलिमिनेट करना नहीं है, उनका उद्देश्य आपको सेलेक्ट करना है, और उस उद्देश्य जो है वो आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जैसे आप आंसर देना चाहें। अभिनव, एक चीज बहुत मैटर करती है, वो होती लैंग्वेज। काफी सारे बच्चों को डर हाँ रहता है लैंग्वेज का, क्योंकि कई बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो लैंग्वेज क्या चूज करनी चाहिए इंटरव्यू वियर? अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी में जवाब देना चाहिए, या जैसे मिक्स लैंग्वेज के अंदर आपका आंसर चल जाता है? देखिए, इंटरव्यू में यदि आपसे वो पूछे इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना कि आपका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश या हिंदी है, अगर आपने इंग्लिश स्पेसिफाई किया है तो आप हिंदी यूज ना करें। हिंदी स्पेसिफाई किया यदि आप पूछते हैं हिंदी स्पेसिफाई तो इंग्लिश ना यूज करें, कुछ एक दो वर्ड या एक दो लाइन यूज कर सकते हैं, वो इंटरचेंजेबल है। और ये ऐसे हिंदी या इंग्लिश यूज करें वो आपका एग्जामिनर आपको बताएगा, आपका बोर्ड मेंबर आपको बताएगा। यदि आप इंटरव्यू के रूम में एंटर किए, आप बैठे और बोर्ड मेंबर ने कहा कि योर नेम इज अभिनव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, सो यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, आपने हिंदी में जवाब दिया, इससे एग्जामिनर को, इससे जो है बोर्ड मेंबर्स को ये पता लग गया कि आप हिंदी में इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में जवाब दे रहे हैं, तो हिंदी में क्वेश्चन पूछे, तो वो आपसे हिंदी में सवाल पूछेंगे। पर ऐसा वाइसी वर्सा नहीं है, यदि उन्होंने हिंदी में पूछा और आपने इंग्लिश में जवाब दिया तो आप क्या दर्शा रहे हो कि नहीं मेरे को तो इंग्लिश, यदि आप साउथ इंडियन नहीं हो तो, अगर आप नॉर्थ इंडियन आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में जवाब दें। तो जिस लैंग्वेज में बोर्ड मेंबर पूछते हैं ट्राई टू गिव आंसर इन दैट लैंग्वेज। और मैं एक्स, और एक्स, हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलना आना चाहिए। मतलब मैं आपकी बात समझ गया कि जैसे अगर वो सवाल हिंदी में पूछते हैं और उसका जवाब इंग्लिश में दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो ईगो पे टच कर जाता है उनके। क्योंकि कोई भी बोर्ड मेंबर हिंदी में पूछ रहा है, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो हिंदी में आपसे पूछ रहा है, आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, तो दिस डज नॉट कि वो आप क्या दर्शा रहे हो कि नहीं मैं तो इंग्लिश में जवाब दूंगा। आप नॉर्थ इंडिया हो, आपको हिंदी भी बोलने आती है, पर फिर भी ट्राई टू क्रिएट अ, मतलब एक ट्रैक में जाइए उन्हीं के साथ साथ। उनको हर मेंबर को एक दर्शाइए कि वी रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू एंड आई एम हियर टू बी सिलेक्टेड। और लेकिन अगर जैसे वो इंग्लिश में पूछते हैं और सामने वाले को इतनी अच्छी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती, तो वो हिंदी में देगा तो वो फिर भी बोर्ड मेंबर इतना ईगो पे नहीं लेगा उस चीज को, क्योंकि वो कंफर्टेबल इंग्लिश नहीं। कहीं ना कहीं हम ये पता है कि हिंदी सबको बोलने आती, इंग्लिश में कोई भी बोलने में थोड़ा सा थोड़ा डिसकंफर्ट फील करते हैं। ये तो पूरे एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अपन ने प्रीलिम्स, मेंस, प्रोफेशनल नॉलेज कैसे पढ़नी, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, ये सब हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस जब हम जॉब क्लियर नहीं करते हैं उस वक्त नहीं आती, जॉब क्लियर करने के बाद काफी सारे लोगों को आती है, कि जो फर्स्ट पोस्टिंग हमारी होती है वो किस बेस पे एनआईएसीएल करता है, क्या उसका कुछ प्रेफरेंस ये लोग पूछते हैं या रैंक वाइज डिसाइड करते हैं, ये किस तरीके से इनकी वो रहती है पोस्टिंग पॉलिसी? जो पोस्टिंग की डिटेल्स है वो एनोनिमस रहती है, वो सेंट्रलाइज रहती है। मुंबई में एचआर डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, वही सेंट्रलाइज, वही से पोस्टिंग जो है आउटसोर्स होती है। और ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सेक्टर में माना जाता है कि आपको जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपको उससे दूर रखा जाए ताकि आप अपने जॉब से इन्फ्लुएंस ना कर पाए। बट कहीं ना कहीं ऐसा, अगर ऐसा जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट की बात करें
तो उनकी पोस्टिंग डेफिनेटली या मेजोरिटी केसेस में आपका हेडक्वार्टर हेड ऑफिस बॉम्बे में होगी या रीजनल ऑफिस में होगी। उससे नीचे जो डिविजन होते हैं ऑपरेटिंग ऑफिस हम लोग बोलते हैं उसमें नहीं होगी, उनका स्पेशलिस्ट में कोई काम नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट का जो काम है वो सपोर्ट का काम है। सपोर्ट का लाइक एचआर का हो, ये सपोर्ट का लाइक अकाउंट्स का हो गया या आईटी का हो गया या ऑटोमोबाइल का, ये सपोर्ट का काम है। तो इन लोग को मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो है आपके हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस रखा जाएंगे। पर जर्नलिस्ट के केस में क्या आएगा, वो अंडरराइटिंग के काम में अलग, अब वो मेजोरिटी जैसे क्लेम्स में हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, तो इनको जो कहीं ना कहीं आपको डिवीजन में भी भेजा जा सकता है या कहीं ना कहीं जो है आपको सब ऑपरेटिंग ऑफिसेस में भी भेजा जा सकता है। और पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग पूरी एनोनिमस रहती है। जहां तक मैं, हमारा जो बैच आया था उसमें हमने देखा था जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनको गुजरात दिया है, जो दिल्ली के बिलोंग करते हैं उनको साउथ दिया है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो नॉर्थ इंडियन उनको साउथ में रखा गया है। और जो हम इंडिया के अगर मैप की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो डेफिसिट जोन है वो वेस्टर्न और सदर्न जोन है। तो वेस्टर्न और सदर्न में आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बैंगलोर हो गया, इन सब में आपका ज्यादा चांसेस रहते हैं पोस्टिंग के एज कम्पेटिवली टू नॉर्थ इंडिया। अगर आप सोचो कि आपको पोस्टिंग जम्मू कश्मीर मिल जाए या नॉर्थ ईस्ट मिल जाए तो बहुत कम ऐसे चांसेस रहता है। और पोस्टिंग की आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो आप सोचोगे पोस्टिंग एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। अभी ना एक चीज बताइए, जो इनका बॉन्ड अमाउंट जो ये साइन कराते हैं, तो बॉन्ड अमाउंट ये पोस्टिंग बताने के पहले साइन कराते हैं, पोस्टिंग बताने के बाद साइन कराते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान दो तीन जगह सिलेक्शन लिया हुआ होता है, किसी जगह वो एक्सटेंशन ले लेता है पोस्टिंग इश्यूज के कारण, लेकिन अगर वो बॉन्ड अमाउंट पोस्टिंग बताने के पहले ही साइन करा लेते हैं तो फिर उस केस के अंदर, क्योंकि काफी सारे बैंकों में ऐसा होता है कि वो पोस्टिंग बताने के पहले बॉन्ड अमाउंट साइन करा देते हैं। NISTL और बहुत इस मामले थोड़ा सा क्या है, फास्ट है या स्ट्रिक्ट है। मेडिकल हुआ आपका, मेडिकल की रिपोर्ट जाएगी आपके NISL हेड ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में जहां से आपने मेडिकल कराया है, तो वो उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको जो है ऑफर लेटर जनरेट किया जाएगा, जिस ऑफर लेटर में आपको ये लिखा जाएगा यू आर मेडिकली फिट एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। देन उसी लेटर में आपको लिखा जाएगा आपको अपॉइंट किया जाता है इस ऑफिस में या इस रीजनल ऑफिस में या इस हेडक्वार्टर में। तो पोस्टिंग पहले आई, उसके बाद आपको फर्दर डिटेल में बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जिसमें वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है बॉन्ड अमाउंट। तो उसके बाद बॉन्ड अमाउंट चालू होता है। बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है कि मैक्सिमम बॉन्ड अमाउंट जो है 1 ईयर लिमिट है, 1 ईयर ग्रॉस सैलरी का। ये गवर्नमेंट में ऐसा केसेस में, गवर्नमेंट केसेस में देखा देखा गया है कि जो बॉन्ड अमाउंट आपको जो अमाउंट पे करना है वो मैक्सिमम लिमिट है जितना आपने पे किया, जितनी आपने सैलरी रिसीव करी आपके सर्विस पीरियड में, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड अमाउंट प्लस जो ग्रॉस सैलरी आपने रिसीव करी प्लस आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो वो उसमें बॉन्ड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वेरिएबल है बॉन्ड अमाउंट। ये एक अच्छी चीज बताई आपने कि ये बॉन्ड बाद में साइन करना होता है, पोस्टिंग पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे NISEL आसान नहीं होता है, वो दो तीन एग्जाम्स एक साथ निकाल देते हैं, तो उनके लिए ये चीज अच्छी है कि अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना हो तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, पोस्टिंग के कारण कईयों को दिक्कत रहती है, तो ये चीज अच्छी है। बॉन्ड इसका देखिए ट्रांसफरेबल रहता है, ट्रांसफर की पॉलिसी क्या रहती है? बॉन्ड जो बॉन्ड ट्रांसफर है वो गवर्नमेंट की जाती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जो DOPT का ऑर्डर है उस ऑर्डर में साफ लिखा है यदि आप किसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं प्रोवाइडेड आपने सारे डॉक्यूमेंट या सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हो, जिसमें वन ऑफ द फॉर्मेलिटी से आपने इंटीमेशन देना अपनी कंपनी को कि मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई किया हूँ या मेरा ये एग्जाम है, उसके बाद आप इंटरव्यू के दौरान NOC लिया हो, तीसरा जो स्टेप है वो है टेक्निकल रेजिग्नेशन, ये तीन स्टेप अगर आपकी कंप्लीट है तो बॉन्ड ट्रांसफर है। प्रोवाइडेड दैट इन तीनों फॉर्मेलिटीज के अलावा दोनों कंपनी इनकमिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटगोइंग ऑर्गेनाइजेशन, आउटगोइंग इन दैट केस इज NISEL एंड इनकमिंग इन विच यू आर सिलेक्टेड, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एग्री ऑन बॉन्ड एक्सेप्टेंस। द मेजोरिटी ऑफ द केसेस वेयर बॉन्ड रिफ्यूजल इज सीन, जहां पे जो इनकमिंग ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें आप सिलेक्टेड हो वो मना कर देती है, इसका मेजोरिटी ऑफ द केसेस ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट है या वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप NISL छोड़ के SSC जा रहे हो, SSC ने मना कर दी कि हम आपका बॉन्ड नहीं ले सकते क्योंकि हम अलग गवर्न होते हैं, तो इन दैट केस आपको बॉन्ड NISL को पे करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। कोर्ट केस करना होगा तो वो बहुत लंबा केसेस चलेगा। इनिशियली मैंने आपको स्टेप बताया। आपके केस में बॉन्ड ट्रांसफर हो चुका था? हाँ मेरे केस में बॉन्ड ट्रांसफर हुआ था क्योंकि मैंने प्रॉपर NOC लिया था, प्रॉपर इंटीमेशन दिया था और मेरे जो इनकमिंग ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने भी बॉन्ड एक्सेप्ट कर दिया था, तो इन दैट केस आई हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर माय बॉन्ड अमाउंट। एक चीज, वर्क प्रोफाइल और जॉब टाइमिंग इनकी क्या रहती है? अकाउंट्स कैटेगरी जॉब टाइम करें।
ऑफिशियल टाइमिंग से वो 10 बजे से लेके 5:45 है, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे को है 10 बजे से लेके 6 बजे तक है। सैटरडे संडे इज वीकली ऑफ है, उसके साथ आपको लीव का बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं देखने को मिलता है एज कंपेरेटिवली टू बैंक्स। बैंक से कंपेरेटिवली वर्क प्रेशर बहुत कम है, लीनियंसी है वर्क में भी, खासकर इनिशियली स्टेज में, क्योंकि आप नए हो, आपको भी पहले आप काम को सीखोगे, धीरे धीरे करोगे, आपको ऑफिस का सपोर्ट मिला, उसके बाद आपको जितना आप हायरार्की में ऊपर चले जाओगे उतना वर्क प्रेशर विद अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कॉन्सेप्ट आपका लागू हो जाए। और इसमें 5 डे वीक रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता हाँ, 5 डेज वर्किंग रहता है और सैटरडे संडे वीकली ऑफ रहता है। है। सैलरी और अलाउंसेस एक प्रोविजन के अंदर जब आप इनिशियली जाते हैं तो लगभग अप्रोक्स कितना रहता है इनका? देखिए बेसिक है 50,925 एओ का, जो ग्रॉस मंथली 83-82 के अराउंड, 80 और 85 के बीच में ग्रॉस बनेगी। और उसके अलावा जो आपका डिडक्शन होता है, टीडीएस डिडक्शन होता है 5,000 के आसपास, और 4-5 हज़ार के आसपास आपका एनपीएस डिडक्शन होता है। उसके अलावा आपने जो फैसिलिटीज लिए कंपनी से, आपने मान लीजिए कोई घर लिया हो, या आपने जो है कोई जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हो, मेडिक्लेम लिया हो, उसका डिडक्शन होता है। तो 10 से 15 हज़ार का डिडक्शन बीच में मान सकते हैं, और नेट आपकी वही 70 के आसपास बनेगी नेट, जिस हिसाब से आप डिडक्शन क्लेम करते हो। एक चीज और डर बना हुआ है लोगों को, NISCL हो गया या UIC हो गया, GIC जो अभी इनके जो एग्जाम्स आते हैं, कि प्राइवेटाइजेशन का खौफ है बच्चों के मन में कि गवर्नमेंट प्राइवेट कर सकती है ये सारी कंपनीज। तो प्राइवेट तो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आएगा, पहले तो मर्जर का कॉन्सेप्ट करेंगे, और वन एक बार मर्जर होगी सारी जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट में है, बट बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो उन सबको मर्ज किया जाएगा न्यू इंडिया में, ऐसा प्रपोज्ड है। जब तक हो नहीं जाता तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो एक बार ये कंपनी मर्ज हो जाएगी तो प्राइवेटाइज किसी भी केसेस में नहीं होगी, बहुत कम ऐसा चांसेस है। और प्राइवेटाइज होगी तो आप जो इंडक्टेड हुए वो एक गवर्नमेंट पीएसयू में हुए, और गवर्नमेंट किसी भी हालत में आपको गवर्नमेंट से प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, इसी हालत में आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ऑलरेडी जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इधर सीनियर लेवल पे, उनका भी लाइफ जो है उस पे दाव पे है, तो इस बारे में ना ही सोचे तो ज्यादा बेहतर है। और इसके अंदर एक चीज और है कि जैसे काफी सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि लीज अकोमोडेशन का क्या रहता है, क्योंकि बड़ी सिटीज में पोस्टिंग आती है तो घर किराए से काफी महंगे उसमें मिलता है, या यहाँ पे लोग क्वार्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, NISCL में क्या सिस्टम है? रहने के लिए 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप कंपनी से एचआरए उठाइए, एचआरए लगभग 4 से 5 हज़ार होता है जनरली, बेसिक का 30% एचआरए सरकारी कंपनीज में मिलती है, बट इसमें 5 हज़ार इसलिए क्योंकि लीज की सुविधा है जो बहुत ही बेहतर है। लीज की लिमिट जो है वो डिटरमाइन होती है सिटीज के हिसाब से, बॉम्बे में इसकी लिमिट है, मुंबई में इसकी लिमिट है आई थिंक 30 से 35 हज़ार, घर वहां महंगे मिलते हैं। दिल्ली में इसकी लिमिट है शायद 27,000 रुपए या 25,000, और टीयर टू सिटी में है इसकी शायद 17,000 रुपए, ऐसे डिक्रीज होती जाती है जहां शहर आपके छोटे हो जाए। तो आप लीज पे घर ले सकते हो, किराए पे घर ले सकते हो, जिसका रेंट पूरी की पूरी कंपनी देगी उस पे, हालांकि उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो एक सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो है आप बैचलर अकोमोडेशन ले सकते हो, यदि आप सिंगल हो और ऐसा जो है अकेले रहना चाहते हो, तो कंपनी खुद के फ्लैट्स होते हैं जो आपको शेयरिंग में आपको बेड मिलेगा, एक रूम होगा उसमें एक जना और रह रहा होगा, उसके संग शेयर में आपको मिलेगा। इसका जो है जो फीचर ये है, इसका जो बेनिफिट ये है कि आपको एचआरए मिलेगा साथ में, और आपको जो है टैक्स भी नहीं कटेगा, जो आपको उसका लीज पे जो सुविधा है उस पर टैक्स नहीं कटेगा, तो कहने के ये बेनिफिट हो जाता है एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। और उसके अलावा भी आप जो है मैरिड हो और कंपनी के खुद के फ्लैट अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो, हालांकि वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा, प्रीरिक्विजिट का रूप में आएगा, उस पर भी टैक्स कटेगा। तो ये 4 तरीके से आपको घर मिल सकते हैं, पहला है आप लीज ले सकते हो, दूसरा कंपनी का खुद का अकोमोडेशन ले सकते हो, चौथा जो है आप एचआरए क्लेम कर सकते हो, अपना खुद का घर ले सकते हो, और चौथा ये है कि आप कंपनी का बैचलर अकोमोडेशन ले सकते हो। प्लस में अगर आपकी शादी हुई हो या शादी नहीं भी हुई हो तो भी आप ले सकते हो बैचलर अकोमोडेशन, प्रोवाइडेड आप कहाँ पोस्टेड हो, रीजनल ऑफिस में हो, ये आप जिस ऑफिस में पोस्टेड हो गए रीजनल ऑफिस में या बेसिकली उससे ऑपरेटिंग ऑफिस में, तो आपको और रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, तो पूरे चीज आपकी रीजनल ऑफिस डिटरमाइन करेगा। मतलब अगर आप हेडक्वार्टर में तो हेडक्वार्टर तो है ही,
पर अगर आप रीजनल ऑफिस में हो या ऑपरेटिंग ऑफिस में हो, तो आपका जो जो मेन अथॉरिटी है वो रीजनल ऑफिस है, तो आपकी लीज की सुविधा है और आपका जितना सैलरी की पेमेंट डिटेल वो सब रीजनल ऑफिस बनाएगा। और ये भी डिपेंड करता है सिटी के ऊपर कि वहां पे इनके खुद के क्वार्टर्स हैं या नहीं है। हाँ, जैसे कि मेरा मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था कानपुर के रीजनल ऑफिस में, तो वहां की कंपनी के खुद के फ्लैट भी थे, और पर मैं बैचलर था तो मैं बैचलर अकोमोडेशन में रहा रहा था 6 महीने से, तो इस हर रीजनल का अपना अपना है, क्योंकि कंपनी के खुद के फ्लैट बहुत, कंपनी बहुत पुरानी है, तो कंपनी के खुद के फ्लैट खुद के अपार्टमेंट बहुत सारे हैं हर शहर में। इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब ग्रोथ कहां तक हो सकती है अगर कोई व्यक्ति। आप अपॉइंट हुए हैं एओ के रूप में, जो ऑफिसर लेवल का क्लास 1 है, उसके क्लास 1 है और स्केल 1 है, स्केल 2 हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर, उसके अलावा डिप्टी मैनेजर, उसके अलावा आप मैनेजर बनोगे, फिर आप बनोगे चीफ रीजनल मैनेजर, फिर चीफ रीजनल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, उसके बाद आप डायरेक्टर बन जाओगे। तो ये हर चीज में 5 साल का गैप रहता है, मैक्सिमम 5 साल का, 5 साल बाद आपको प्रमोट होना ही होना है। अगर आप उससे पहले प्रमोट होना चाहते हो, तो आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आप एग्जाम दे सकते हो, प्रमोशन एग्जाम, और आप जल्दी प्रमोट हो सकते हो, उसको बोलते हैं अर्ली प्रमोशन, जो आपके एग्जाम के बेसिस पे है। और उसके अलावा हर 3 साल में आपका ट्रांसफर होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे, आप सेंसिटिव पोस्ट से नॉन सेंसिटिव पोस्ट में आप जाओगे, दिस इज डन कि आप किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाओ। इनका वेज रिवीजन भी अभी होना बाकी है। वेज रिविजन होना बाकी है जी। और वेज रिवीजन होने के बाद तो मतलब क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज का ऐसा आ रहा था कि जो लॉस मेकिंग है उनको गवर्नमेंट वेज रिवीजन नहीं देगी, लेकिन NIACL जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए, ये हमारे दर्शक हमको बताएंगे कि NISCL जो है का अंडर की अंडरराइटिंग प्रॉफिट में है कि अंडरराइटिंग लॉस में, आप कमेंट बॉक्स करके बताइए, और थोड़ा रिसर्च करिए आप लोग भी कि NISCL अंडरराइटिंग लॉस में है कि अंडरराइटिंग प्रॉफिट में है। जब आप ये टर्म सर्च करोगे तो आपको अंडरराइटिंग वर्ड समझ में आएगा, अंडरराइटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अंडरराइटिंग लॉस क्या था, आपको ये समझ में आएगा। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि इस बहाने जो कंसेप्ट है किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर हाँ का, और जो प्रॉफिट किस तरीके से कंपनीज दिखाती है और किस तरीके से प्रॉफिट होता है और उसका कंसेप्ट क्या रहता है। इंश्योरेंस कंपनीज है OICL, यूनाइटेड इंडिया नेशनल और न्यू इंडिया, इन सब का बेसिकली अंडरराइटिंग प्रॉफिट होता है या अंडरराइटिंग लॉस होता है, ये सिंपली हम मान सकते हैं कि आप कंपनी ने कितना प्रीमियम अर्न किया। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये प्रीमियम अर्न किया और क्लेम की 120, तो 20 अंडरराइटिंग लॉस होगा, हर कंपनी अंडरराइटिंग लॉस में है। पर जो कंपनी ने जो 100 रुपये प्रीमियम रिसीव किए हैं, 100 रुपये आज प्रीमियम रिसीव किया, पर क्लेम हमको अगले साल देना है, तो वो जो 100 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट डिपेंडमेंट होता है हर कंपनी का, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो डिविडेंड आएगा या उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी एक इनकम होगी। तो न्यू इंडिया का इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिवली टू अदर कंपनी, दैट इज वाई न्यू इंडिया प्रॉफिट में है। अभिनव, एक फाइनल एडवाइस आप अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को क्या देना चाहेंगे कि उन्हें NISCL क्यों अच्छे से तैयारी करके और ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हो और बाकी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नीट नेशनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप वर्क लाइफ बैलेंस बहुत प्रॉपर है यहाँ पे, और एक आपका क्लास 1 स्केल 1 ऑफिसर के रूप में हो, ऑब्वियसली क्लास 1 ऑफिसर आप कहलाए जाओगे, ऑफिसर लेवल कहलाए जाओगे, और प्रमोशन भी इसमें जो है हर 3-4 साल में हो जाता है प्रमोशन, और आप जब रिटायर हो गए तो मोस्टली बहुत सीनियर पोजिशन पे होंगे, बट उसके लिए आपको मेहनत अभी से करनी होगी, अपने प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर नोट से और प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी, प्रतीक जी से या हमसे आप कनेक्ट भी कर सकते हो, और आपको जहां भी दिक्कत आ रही हो, हम लोग आप बैठे हुए हैं, हम लोग गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, बस पढ़ते रहिए और बस। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आप हमारे चैनल पे आए और बहुत जी बहुत धन्यवाद, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे NISCL के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछें, आप भी अपनी तरफ से पूरी मदद दें और हम भी अपनी तरफ से पूरी मदद देंगे, क्योंकि आप लोग आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते क्वेश्चन, और हम दोनों कोशिश करेंगे कि आपका जल्द से जल्द आपकी क्वेरी सॉल्व करें, और अपना मैथ्स रीजनिंग इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया उसको वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, क्योंकि बीच में आप देखोगे मजा नहीं आएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी बातें आप आउट कर जाओगे जी। थैंक यू अभिनव, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी